चौथी विधानसभा के अंतिम सत्र के अंतिम दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुआ और एक प्रकार से इसे मैं दुर्भाग्यपूर्ण प्रसंग मानता हूं। हमने सदन में साबित किया कि अविश्वास प्रस्ताव तथ्यहीन, सिद्धांतहीन, षड्यंत्रपूर्ण, मौकापरस्त राजनीति का प्रतीक है। जनहित में इसका कोई लेना देना नहीं। छत्तीसगढ़ ने विगत 15 वर्षों में विकास की जो गंगा बहाई है वह किसी अन्य राज्य के लिए वह किसी भी राज्य के निवासियों के लिए गौरव का विषय है। कांग्रेस ने विकास को नकार कर अपनी विकास विरोधी छवि पर फिर मोहर लगाई है। मुझे विश्वास है कि जनता कांग्रेस के इस रवैये को देख और समझ रही है। आगे विधानसभा चुनाव में इसके परिणाम दिखेंगे। हमने एक कार्यकाल में 3 बार अविश्वास प्रस्ताव की आग में तपाया गया है। हम कुंदन बन के निखरे हैं जिसे चुनाव में हम आने वाले समय में 65 सीट जीतकर फिर सरकार बनाएंगे। कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त की ओर है। आगे भी चुनाव में इस सदन में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। मुझे पूरा विश्वास है राज्य को विकास की ओर ले जाने का हमारा उद्देश्य 2022 का सपना जरूर पूरा होगा और इसके लिए कठिन मेहनत करके जनता का विश्वास हमने जीता है। आगे भी पूरी लगन निष्ठा के साथ जनता का सेवा करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ की चौथी विधानसभा के 16वें और अंतिम सत्र के अंतिम दिवस की कार्रवाई अब समाप्त हुई। मीडिया के आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, जिस तरह से आप लोगों ने समय दिया, जिस तरह से हम लोगों को भी भरपूर अवसर दिया अपनी बातों को रखने का, विपक्ष की भूमिका को निभाने का, उसके लिए बहुत बहुत आभार। मेरे लिए भी व्यक्तिगत ये बहुत सुखद अनुभव के 5 साल रहे और भविष्य आगे है। जो जवाबदारियां, जो जिम्मेदारियां छत्तीसगढ़ के मतदाता हम सभी को भविष्य में देंगे, मिलके छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए हम लोग सब साथ मिलके कार्य करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव आज प्रस्तुत हुआ, लंबे समय तक चर्चा हुई और मैं समझता हूं कि जो जो आरोप लगे थे सरकार उन्हें जवाब देने में, उनके संदर्भ में जवाब देने में विफल रही। जो प्रस्ताव लाया गया था अविश्वास का, वो उस हद तक मैं मानता हूं कि सफल साबित हुआ कि सरकार जवाब नहीं दे पाई सही मायने में अनेकों बिंदुओं को जिनको उठाया गया था। कहने के लिए 15 कंडिकाएं थी लेकिन बिंदु उसमें 60 थे और मैं समझता हूं कि पर्याप्त थे इस बात को दर्शाने के लिए कि सरकार के संदर्भ में अब विश्वास नहीं है।